Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's video, we will continue with chapter 6 Fun with Excel 2016. This video is part 2 of chapter 6. Now, all of you, please be ready with your computer book and open page number 83. Now, what is Microsoft Excel? Microsoft Excel is a spreadsheet application. और यू कैन से दैट इट इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लॉन्च इन नाइनटीन एटी फाइव बाई द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक्सेल इज अ पॉपुलर स्प्रेडशीट सिस्टम एक्सेल एक बहुत पॉपुलर स्प्रेडशीट सिस्टम है एंड वॉट इज द यूज ऑफ दिस एक्सेल यूज क्या है एक्सेल का एक्सेल हैज़ द एबिलिटी टू डू बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो बेसिक कैलकुलेशंस होती है एंड जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं वो हम एक्सेल में करते हैं एक्सेल में जो शीट्स होती हैं उन शीट पे टेक्स नंबर्स फॉर्मूलाज यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्क दैट मीन्स In this, you will learn how to create a new workbook, a new file, and how to open an old file in which you have worked earlier. So, the first point is creating and opening workbook. Here, workbook means file. Okay, the Excel files are known as workbook. Excel files are called workbook. When you start a new project in Excel, you need to create a new workbook.

दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेल में बहुत प्री डिज़ाइन टेम्पलेट होती हैं डिज़ाइंस होती हैं उनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं आपके पास थ्री ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन है कि आप कोई खाली ब्लैंक फाइल ले लीजिए वहाँ से स्टार्ट करिए या फिर कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लीजिए जो प्री डिज़ाइन टेम्पलेट है उनको सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन एन एक्सिस्टिंग वर्कबुक दैट मीन्स ऐसी फाइल जो पहले से ही एक्सेल में दी गई हैं उसको आप यूज़ करें एक्सिस्टिंग मीन्स द फाइल्स विच आर प्रीवियसली सेव्ड नाउ दे आर थ्री वेज तीन तरीके से आप नई फाइल स्टार्ट कर सकते हैं उन पर काम करना नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्क बुक इन दिस यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक खाली फाइल आप बनाना चाहते हैं कैसे एक खाली फाइल आप इंक्लूड करेंगे अपने एक्सेल में सो नाउ द स्टेप्स आर फॉलो द स्टेप्स गिवेन बिलो स्टेप वन सिलेक्ट द फाइल टैप दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट अ फाइल टैब पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फाइल टैब पे बैक स्टेज व्यू विल अपेयर दैट मीन्स फाइल सेलेक्ट करने के बाद एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा बैक स्टेज व्यू होता है एक ऐसा फीचर जहाँ पर वेरियस ऑप्शन दिए गए होते हैं फाइल ओपन करने के लिए प्रिंट करने के लिए शेयर करने के लिए सो so, वो एक बैक बैक स्टेज व्यू होता है देन स्टेप टू इज सेलेक्ट न्यू देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑन न्यू देन क्लिक ब्लैंक वर्क बुक न्यू सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू ब्लैंक वर्क बुक मीन्स यहाँ पर आपको एक खाली वर्कबुक चाहिए एक खाली फाइल चाहिए सो so आप वहाँ क्लिक करेंगे पहले आपको फाइल पर क्लिक करना है देन बैक स्टेज व्यू अपियर हो जाएगा क्लिक करने के बाद देन यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू फिर न्यू पे क्लिक करना है न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक वर्क बुक अपियर होगा न्यू द स्टेप थ्री इज अक वर्क बुक विल अपीयर सो नाउ द न्यू फाइल विल अपियर ऑन योर स्क्रीन आपके स्क्रीन पे एक नई फाइल आपको अब अपीयर करेगी दिखाई देना स्टार्ट सो स्टूडेंट दीज आर दू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्क बुक और यू कैन सी दैट क्रिएट अ न्यू ब्लैंक फाइल ओके सो नाउ वी हैव लर्न द स्टेप्स आई विल ऑल्सो शो यू हाउ टू डू प्रैक्टिकली सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज Open an existing workbook. So, if you want to open a workbook that was previously saved, follow the given steps. That means अब आपको open करना है एक ऐसी फाइल जो पहले से ही एक्सेल में सेव है. So ये आप कैसे करेंगे? Step one, navigate to backstage view and then click open. That means first you have to locate

ओपन पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट कंप्यूटर कंप्यूटर मीन्स दिस पीसी इट विल बी गिवन दिस पीसी सो दिस पीसी पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ब्राउज मीन्स पहले आपको फर्स्ट स्टेप है आपको ओपन करना है ओपन पे जाने के बाद आपको कंप्यूटर दिस पीसी को सेलेक्ट करना है एम पीसी को सेलेक्ट करने के बाद देन यू हैव टू क्लिक ब्राउज एंड इसका दूसरा अल्टरनेटिव ये है यू कैन चूज वन ड्राइव To open files stored on your OneDrive. OneDrive means OneDrive is a Microsoft online storage device. ये एक Microsoft online storage device है. वहाँ से भी आप select कर सकते हो अपना file जहाँ पे save है. और you can say that जैसे mobile में हम अपने data हैं जो भी है information हम store करते हैं Google Drive पे. So similarly computers पे OneDrive होती है जिसका मतलब होता है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है ये नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर थ्री एंड दिस यू हैव टू ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर नाउ द डायलॉग बॉक्स विल अपीयर देन यू हैव टू लोकेट एंड सेलेक्ट योर वर्क बुक दैन क्लिक ओपन देन नाउ यू हैव टू लोकेट आपको सर्च करना है लोकेट करना है एंड देन आपको सेलेक्ट करना है जो फाइल आपको चूज करनी है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन ओपन पे क्लिक करेंगे फिर वो फाइल ओपन हो जाएगी जो प्रीवियसली सेव है इफ़ यू हैव ओपन द डिज़ायर वर्क बुक रिसेंटली यू कैन ग्लैस थ्रू आउट योर रिसेंट वर्क बुक रेदर देन सर्च फॉर द फाइल दैट मीन्स अगर आपने ओपन कर लिया है जो डिज़ायर वर्क बुक जो डिज़ायर फाइल आपको चाहिए सो so आप ईजली देख सकते हो सर्च करके जिसमें आपने वर्क किया है नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज सेविंग अ वर्क बुक दैट मीन्स हाउ टू सेव अ वर्क बुक यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक फ़ाइल है जिसमें आपने काम किया है वर्क किया है एडिट किया है सो जब तक आप उसे सेव नहीं करोगे सो जो डा, डाटा है जो आपने डाटा एंटर किया है वो इजीली चला जाएगा सो आप जब उसमें काम कर रहे हो काम करने के बाद आपके सारे प्रोसेस हो चुके हैं आपने सारा डाटा एंटर कर चुका है टैक्स एंटर कर दिए फॉर्मूलास यूज़ कर लिए हैं सो लास्ट स्टेप आपका क्या है अब आपको सेव करना है सो हाउ यू विल डू इट सो दे आर टू वेज टू सेव अ फाइल दो तरीके हैं फाइल को सेव करने का सो द फर्स्ट इज सेव एंड सेव एस सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एस विच वी विल लर्न ना ओनली दो डिफरेंस है सेव एंड सेव एस के दो वेज है फ्रॉम विच यू कैन सेव अ फाइल दैट इज सेव एंड सेव एस ना वॉट इज द सेव वेन यू क्रिएट और एडिट अ वर्क बुक यू विल यूज अ सेव कमांड टू सेव योर चेंजेस यू ओनली नीड टू चूज अ फाइल नेम एंड लोकेट द फर्स्ट टाइम दैट मीन्स जब आपने एक नई फ़ाइल बनाई या फिर एक ऐसी फाइल जिसमें आपने कुछ एडिट किया एंड आप चाहते हो आप उसको सेव करना सो so, आप उसको सेव करोगे पहले एंड सेव करने के बाद उसका फाइल नेम चेंज करोगे एंड लोकेट करोगे लोकेट का मतलब है आपको फाइंड करना है कि आपको इसको किस फाइल में रखना है किस फोल्डर में रखना है किस ड्राइव में रखना है मीन्स जो आपने एक्सेल में जो काम किया है जो फाइल बनाई है आप उसको कहाँ सेव करोगे फाइल में सेव करना है या किसी ड्राइव में सेव करना है सो so, पहले आपको उस फाइल का नाम चेंज करना है यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फाइल एंड देन यू हैव टू लोकेटिड वेदर टू स्टोर इट वेदर यू वॉन्ट टू स्टोर इन ड्राइव वेदर यू वॉन्ट टू स्टोर इन फोल्डर सो नाउ बट द फर्स्ट स्टेप इज टू सेव पहले आपको उसे सेव करना पड़ेगा इधर आपने एक नई फाइल बनाई है या फिर जो पुरानी फाइल है उसमें आपने कुछ एडिट किया है सो यू हैव टू सेव नाउ द सेकेंड स्टेप इज सेव एस सेव एस क्या होता है we use this command to create a copy of a workbook that means यहाँ पे आपकी already एक file save है you want a copy आपको उसका copy चाहिए मतलब same ऐसा एक और copy चाहिए so आपका क्या step रहेगा save as then you will use save as first था save save में आपने एक file बनाया फाइल बनाया और देन आपने उसको सेव कर लिया या फिर पहले कोई एक फाइल आपने बनाई थी उससे आपने यूज़ किया उसमें कुछ एडिट किया अब आपने उसका नाम चेंज किया उसका लोकेशन चेंज किया एंड उसे सेव कर लिया सेकेंड स्टेप्स क्या है सेव एस यहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है सो सेव एस का मतलब है कि आपके पास एक ऑलरेडी आपने एक फाइल बनाई है यू वॉन्ट अ कॉपी ऑफ दैट फाइल

प्लेस है जहाँ वो स्टोर है उसका ऑलरेडी एक नाम है जिस नाम से वो फाइल सेव है अगर आप कॉपी करते हो सो so आप कॉपी करोगे सेम वही फाइल देन आपको उसका नाम चेंज करना होगा जो कॉपी फाइल रहेगी उसका नाम चेंज करना है यू हैव टू चेंज द नेम एंड देन द लोकेशन कहाँ आपको उसे सेव करना है ड्राइव में सेव करना है या फोल्डर में सेव करना है ये चीज भी आपको चेंज करनी पड़ेगी नाउ वी विल लर्न द स्टेप्स हाउ टू सेव अ वर्क बुक सो आ फ्यू स्टेप ये स्टेप से आपको पता चलेगा कैसे सेव करना है वर्क बुक को वेन यू हैव फिनिश विथ ऑल योर वर्क ऑन द वर्क बुक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव इट सो दैट यू कैन रिफर टू इट लेटर दैट मीन ऑलरेडी यू हैव वर्क आपने वर्क कर लिया वर्क बुक में फाइल में काम कर लिया नाव यू हैव टू सेव इट अगर आप सेव नहीं करोगे तो डाटा एंटर हुआ है वो ऑब्वियसली चला जाएगा सो यू हैव टू सेव इट सो दैट लेटर ऑन आप उसे देख सकते हो कि आपने क्या वर्क किया है यू कैन ऑल्सो सेव द वर्क बुक एवरी नाउ एंड देन वाइल वर्किंग सो दैट यू डो नॉट लूज एनी डाटा दैट मीन्स जैसे ही आप थोड़ा काम किया आपने एक्सेल में कुछ काम किया फिर आपने उसे सेव कर लिया सो so, जो डाटा है वो उसी में एंटर रहेगा वो कहीं नहीं जाएगा फिर आपने थोड़ा काम किया फिर आपने सेव कर लिया सो so, इससे क्या होगा जो भी आप काम कर रहे हो वो उसमें सेव होते जाएंगे बट आपने कुछ काम किया सेव किया फिर दोबारा कुछ काम किया और आपने नहीं सेव किया सो so, ऑब्वियसली वो डाटा चले जाएंगे सो यू हैव टू सेव इट जितनी बार आप काम करते हैं उतनी बार आपको सेव करना है नाउ द स्टेप्स आर फॉलो द गिवन स्टेप्स फर्स्ट स्टेप लोकेट एंड सेलेक्ट द सेव कमांड ऑन द क्विक एसेस टूरबार दैट मीन्स यू हैव टू आपको पहले जाना है एंड देन आपको सेव कमांड पे चूज करना है जो कि क्विक एसेस टूरबार पे रहेगा क्विक एसेस टूरबार एक ऐसा बार है जहाँ पे कॉमन कमांड्स रहते हैं नाउ द सेकेंड स्टेप इज इफ यू आर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव एज स्पेन विल अपीयर इन द बैक स्टेज व्यू दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं अपना अपने फाइल वर्क किया है एंड आप फर्स्ट टाइम सेव करने जा रहे हैं देन द सेव एज स्पेन जो सेव एज पेन है वो अपीयर होगा बैक स्टेज व्यू पे नाउथ द स्टेप थ्री इज चूज़ वेयर टू सेव द फाइल यहाँ पर आपको चूज करना है कि आपको अपनी फाइल कहाँ सेव करनी है वन ड्राइव पे सेव करनी फाइल में सेव करना फोल्डर में सेव करना है कहा सेव करना है यू कैन सेव द वर्क बुक टू योर कंप्यूटर और यू कैन क्लिक वन ड्राइव टू सेव द फाइल टू योर वन ड्राइव दैट मीन्स आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं या फिर आप वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं नाउ द स्टेप फोर इज द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपियर देन जो डायलॉग बॉक्स है वो अपियर होगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ड्राइव सेलेक्ट करनी है फोल्डर सेलेक्ट करना है, है जहां पे आपको अपना फाइल सेव करके रखना है नाउ द स्टेप फाइल फाइव एज एंटर अल सो नाउ यू हैव टू एंटर द नेम ऑफ अ फाइल फाइल का हम नेम इसलिए चेंज करते हैं तभी आप इजली सर्च कर सकते हो कि आपने कौन से फाइल में वर्क किया है सो so, आपको एक फ़ाइल का नाम यहाँ सोचना है एक नेम सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक सेव नेम सेलेक्ट करने के बाद लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने लोकेशन सर्च कर लिया कहाँ स्टोर करके रखना है फाइल का नाम सेलेक्ट कर लिया नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेव फिर क्लिक करोगे आप सेव करने पे नाउ द स्टेप इज द वर्क बुक विल बी सेव यहाँ पे जो आपकी वर्क बुक है वो इजली सेव हो जाएगी यू कैन यूज द सेव कमांड अगेन टू सेव योर चेंजेस वेन एवर यू एडिट योर वर्क बुक दैट मीन्स जब कभी भी आप पुरानी जो वर्कबुक में आपने काम किया है उसमें अगर कुछ और आप एडिक्शन करते हो कुछ और चेंजेस करते हो देन ऑल्सो यू हैव टू सेव आपको तब भी सेव करना पड़ेगा सेव कमांड यूज करके आपको अपने डाटा को सेव करना है नाउ देयर इज अ पॉइंट गिवन कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव वर्कबुक इज कंट्रोल प्लस एस देन एक बहुत इजी और शॉर्टकट मेथड है कि आप ये सारे प्रोसेस ना करें आप कंट्रोल प्लस एस कीबोर्ड से प्रेस करके आप इस तरीके से भी अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं यू हैव टू प्रेस ऑन कंट्रोल प्लस एस सो दिस इज द इजी स्टेप टू सेव योर फाइल और यू कैन से सेव योर वर्क बुक नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग सेव एज टू मेक अ कॉपी सो so, यहाँ पे आपको जो सेव आपकी फाइल है उसकी कॉपी आपको एक और सेव करनी है सो हाउ यू विल डू इट इफ़ यू want टू सेव अ workbook in इन डिफरेंट वर्जन keeping कीपिंग द ओरिजिनल as एज इट इज़ यू कैन क्रिएट अ for फॉर द सेम दैट आपने एक पुरानी फाइल है उसको आपको चेंजेस नहीं करने हैं एक नई फाइल आपको वैसे ही सेव करनी है सो द स्टेप इज फॉर example इफ़ यू हैव फ़ाइल नेम क्लास डाटा यू कैन सेव इट एज क्लास डाटा टू दिस वे यू विल बी एबल टू एडिट द न्यू फाइल एंड स्टिल रिफर द ओरिजिनल वर्जन दैट मीन्स यहाँ पर जो आपकी पुरानी फाइल है एक एग्जाम्पल है उस फाइल का नाम है क्लास डाटा क्लास डाटा आपकी पहले से जो वर्कबुक है फाइल है वो है आपको इसकी कॉपी चाहिए एक नई कॉपी चाहिए एकदम वैसी ही एक कॉपी चाहिए सो so आप सेव करोगे उसे क्लास डाटा टू के नाम से जो ओरिजिनल है वो वैसे ही रहेगा और जो उसकी नया वर्जन जो कॉपी वर्जन हो जाएगा वो है क्लास डाटा टू ये हम नाम ऐसे रखते हैं जिससे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो और ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं अपनी फाइल को टू सेव अ वर्क बुक यूजिंग सेव एज फॉलो द गिवन स्टेप सो so, यहाँ पे आपको सेव करना है अपने फाइल को सेव एज कमांड यूज करके सो so, कैसे आप करेंगे स्टेप वन क्लिक द सेव एज कमांड इन द बैक स्टेज व्यू बैक स्टेज व्यू में आपको सेव एज क्लिक करना है यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन नाउ द स्टेप टू इज एंड चूज वेयर टू सेव द फाइल एंड गिव इट अ न्यू नेम दैट मीन्स यहाँ पे आपको चूज करना है कि फाइल को आपको कहाँ सेव करना है कौन से फाइल में सेव करने कौन से फोल्डर में सेव करना है एंड देन आपको एक फाइल का दूसरा नाम रखना है अ न्यू नेम दैट इज क्लास डाटा टू सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव कम्पलीटेड टॉपिक हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल एंड हाउ टू क्रिएट मीन्स ओपन एंड एक्सिस्टिंग वर्कबुक and we have also seen how to save a workbook now i will show you how to do practically